हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेरोगे प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहा है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले T20 वर्ल्ड कप का ग्रुप स्टेज जो कि खत्म हो गया, सुपर आठ का राउंड भी स्टार्ट हो गया, जहां पे टॉप टीम्स में फाइट भी देखने को मिल रहा है। यहां से जीतने वाली टीम सेमीफाइनल का टिकट कटवाएगी। तो आइए बात करते हैं टूर्नामेंट के 46वें मुकाबले के बारे में, जिसमें एक तरफ USA है तो ही दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज है। दोनों पड़ोसी देश होने के साथ साथ वर्ल्ड कप के मेजबान भी है, ऐसे में रोमांचक मुकाबले की उम्मीद होगी। दोनों पहली बार क्रिकेट में आमने सामने होंगे। ये दोनों टीम 22 जून को बारबाडोस के कैनिंगस्टन ओवल में खेला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको टॉस मैच और सेशन की रिपोर्ट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं इनका वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम में थोड़ी सी नमी रही, बारिश की भी संभावना, ह्यूमिडिटी 67% रहेगा और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करके इनके पिच एनालिसिस करते हैं। यहाँ की पिच T20 बैटर्स के लिए टफ है। यहाँ की पिच अपने स्लो ऑल फील्ड के लिए जानी जाती है। यह कंडीशन स्पिन बॉलर्स को फायदा पहुंचाता है। इसके अलावा शुरुआती सीम मूवमेंट स्विंग बॉलर की मदद करेगी। अब अगर बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहां पे बैटिंग फर्स्ट का यहां पे 61% जीतने का चांस है, वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहां पे 35% जीतने का चांस है। अब अगर बात करते हैं इनके एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 153 है, वहीं पे सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 133 है। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम वेस्ट इंडीज का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, जहां पे रॉन पॉल की टीम ने लगातार 4 जीत के साथ टूर्नामेंट के सुपर आठ में पहुंच गई थी। लेकिन सुपर आठ के पहले ही मैच में टीम इंग्लैंड के करारी हार झेलनी पड़ी। अब यहां से टीम को बचे हुए 2 मैच जीतने होंगे। यहां पे ब्रैंडन किंग और जॉन चार्ल्स जो कि जबरदस्त शॉपिंग कर रहे हैं, वहीं नंबर 3 पर निकोलस पुरन लास्ट गेम में 36 रन बनाए थे, वो अब तक टूर्नामेंट में 200 रन बना चुके हैं। वहीं नंबर 4 जो कि कप्तान पॉवेल ने भी 211 रन बनाए। सरफेनर फोर्ड एंड अंडर रसल सबसे ज़्यादा बिग हिटर है, जो लो ऑर्डर में बैटिंग लाइनअप को मजबूत करते हैं। रसल अब तक फ्लॉप ही दिख रहे हैं। लास्ट गेम में टीम की बॉलिंग उसकी कमजोरी साबित हुई, जहां पर अल्जारी जोसफ ने 5 मैच में अब तक 8 विकेट ले चुके हैं। लास्ट गेम में ओवर्ट माइक को जो कि ड्रॉप कर दिया गया था उनको, वहीं पर गुदाकेश मोती 7 विकेट और अकील होसन 9 विकेट लेकर टॉप स्पिनर है। तुम्हारी सफेद एंड्रे रसल भी सफलता दिला सकते हैं। अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज का प्लेइंग 11 देखते हैं। ब्रैंडन किंग है, जॉनसन चार्ली, निकोलस पुरन है, साई हो पे रोवन पॉवेल है, एंड्रे रसल है, सरफेन अदरफोर्ड है, ओवेट मैकोय, अल्जारी जोसफ है, गुदाकेश मोटी, अकील होसन। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि ब्रैंडन किंग है, निकोलस पुरन है, एंड्रे रसल है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी USA का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। टीम पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही है और पहली बार में टीम ने बड़ी बड़ी टीमों को सरप्राइज किया, कड़ी टक्कर भी दे रही है। टीम ने लास्ट मैच में साउथ अफ्रीका को लगभग हरा ही दिया था, लेकिन लास्ट में टीम ने कुछ रन से पिछड़ गई। टीम के लिए बड़ा झटका लगा कि उसके रेगुलर कप्तान मोनांग पटेल जो कि इंजरी के चलते खेल नहीं पा रहे। ओपनिंग में स्टीवन टेलर और एंड्री गॉस खेल रहे हैं। एंड्रीज ने लास्ट गेम में 80 रन बनाए थे। नंबर 3 पर जो कि नीतीश कुमार को मौका मिला था। नंबर 4 पर कप्तान आरन जॉन्स ने अब तक 141 रन बनाए। लोअर ऑर्डर में कोरी एंडरसन, हरमीत सिंह अच्छे हीटर है। हाल के मैचों में बॉलिंग अटैक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, टीम ने 7 बॉलिंग ऑप्शन के साथ ट्राई किए। वहीं पे सौरभ ने टीम को लीड कर रहे हैं, लास्ट गेम में उन्होंने 2 विकेट लिए थे। अली खान ने काफ़ी सारे रन लुटाए हैं। वहीं पर हरमनप्रीत सिंह ने 2 विकेट लिए हैं। पार्ट टाइमर में आपको जसदीप सिंह और कोरी एंडरसन अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। अब बात करते हैं USA का प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जो कि सियान जहांगीर है, स्टीवन टेलर है, एंडी गॉस है, एरन जोन्स है, नीतीश कुमार है, कोरी एंडरसन है, हरमीत सिंह है, अली खान है, जसदीप सिंह है, नौस्तुस केंजी है, सौरभ नेतवालकर है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि कोरी एंडरसन है, सौरभ नेतवालकर है और स्टीवन टेलर है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रेडिक्शन एंड कंक्लूजन देखते हैं। वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइनअप में डेप्थ है, और लेकिन ये जिस तरह का खेल इस वक्त दिखा रही है उसको देखते हुए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी अगर दोनों टीम की परफॉर्मेंस की बात करें, दोनों टीम के स्क्वाड को देखते हुए हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे वेस्ट इंडीज आगे चल रही है, तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच विनर भी वेस्ट इंडीज होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।